ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी की सब बोलो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। बोली रमण बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। हमने सोचा हम भजनामृत का, महाराज जी ने कहा और हमारे में भी मन में ही था, ये तो भजन का अमृत तो सबसे पहला है महाराज। महाराज अमृत इतना पिला दिया आप सबने, अब अपाम सोमम अमृता भूम अपाम सोमम अमृता भूम। देखो जो कह चुके उसका जो है बार बार उसका क्या पुनर्पिष्ट जो है पुनर बार बार क्या उसको बोले करे मंथन, एक तो बोल दिया। देखो भाई दो ही चीज है दुनिया में, एक नाशवान है एक अविनाशी है, तो जो अविनाशी है उसी को अमृत कहा मूलतः तो। लेकिन अब इसके कई अर्थों में कई तरह से प्रयोग हैं। आप लोगों को इतना महापुरुषों ने कह दिया तो भाई जो अच्छा है वो अमृत है, जो बुरा है वो विष है, इतनी बात तो सबको समझ में आ जाती। देखो हम शास्त्र पढ़े लिखे बाबा जी है भाई, देखो ऐसे व्याकरण शास्त्र पढ़ा हमने, दर्शन उपनिषद वेदादि शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन हम ना गांव के आदमी है, एकदम ठेठ देसी अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, हमको ऐसा बोलना आता है कि भाई जो सबको समझ में आ जाए। अब और हमको एक तो आज पहले तो हमको वो जो है हमारे जो महाराज श्री बोल के चले गए ना मलुक पीठाधीश्वर, उनसे हमारा प्रेम ऐसे ही अचानक हो गया पता नहीं, और आज राम प्रवेश दास जी हमें प्रवेश कर गए। और ये ब्रज के संत नहीं इतने दिव्य होते हैं महाराज, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे संतों को ऐसे हमारा प्रणाम करने का मन करता है, इतने इतने गो पूजक हैं, इतने ये भक्त हैं, एक बार इनका अभिनंदन कर दो। और वाणी बड़ी तेजस्वी है इनकी, अब हमको नहीं पता ये संज्ञा प्रकरण संध्या प्रकरण कहा बोले लेकिन लेकिन महाराज आपने संज्ञा प्रकरण संध्या प्रकरण ये खूब पढ़े हैं हमको पता है। लेकिन देखो आप लोगों के जो काम की बात है, जो अच्छा है वो अमृत है और जो बुरा है वो विष है। तो अमृत क्या है? भोर में जल्दी उठो, ये अमृत है, व्यवहारिक बात है। अब सॉरी इतनी कहानियां इतने प्रसंग इतने वेद शास्त्र उपनिषद, इतनी तो तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, अब तो कुछ तो बूढ़े हो चले हैं, अब इतने शास्त्र पढ़ने लगे तो मुझे लगता है वो तब तक तो फिर वक्त ही नहीं मिलेगा। भोर में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बरसता है प्रभु का, अमृत बेला ही है वो। और सुबह सुबह जो पान करते हैं वो उसको अमृत पान उषा पान, भोर में उठो ये बहुत बड़ा अमृत है, योग करो ये अमृत है, सात्विक आहार लो ये अमृत है, सात्विक व्यवहार करो ये अमृत है। महाराज जी आपकी सीट ऊपर है, आइए आइए। तो ये छोटी छोटी बातें ही सीख लो। मैंने पिछले 40 वर्षों से इन छोटी छोटी बातों को ही अपनाया महाराज। सुबह जल्दी उठना, योगाभ्यास करना, गुरु के अनुकूल
शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल आचरण करना, संस्रतेन गमेमहि माश्रतेन विराधिसि। हमने तो महाराज एक ऐसी लकीर सी खींच रखी है, इधर है एक करना है एक नहीं करना। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, चाहे जग भरी हो जाए, चाहे बड़े बड़े साम्राज्यों से टकराना पड़े। और भाई हमने तो ये लड़ाइयां भी कर रखी है, लड़ाई की बात हो रही थी हाँ। और भाई जो नहीं करना ना, उस तरफ चाहे सारी दुनिया का साम्राज्य मिले, उस तरफ पग धरना ही नहीं है। बस एक ही तो बात है और इसी को मर्यादा कहते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। ये इतनी सी बात है भाई, जो करना है वो करना है। अब उसमें बहाने कितने लगा दो, एक्सक्यूज ढूंढते रहते हम। अजी ऐसा होता है तो ऐसा होता है ऐसा। अरे होने का एक ही उत्तर होता है हो गया, करने का एक ही उत्तर होता है कर दिया, और ना करने के ना होने के हजार बहाने होते हैं। छोटी छोटी बातों से जीवन बहुत ऊंचा उठ जाता है। जो करना है वो करना है। अब जैसे योगाभ्यास करना है तो करना है। अब हमारी बहुत सी माताएं देखो उधर मुटिया गई हैं, इधर इधर फैली पड़ी हैं, कुर्सी में बड़ी मुश्किल से फंस के बैठी हैं। कुछ तो उठे तो कुर्सी भी साथ में उठने की संभावना है। मोटी मत हो, नहीं तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कमर दुखेगी, फिर गोडे भी दुखेंगे, पतली हो जाओ। ये मोटापा विष है, ये रोग विष है, ये भोग विष है। अब महात्माओं को तो हम का बोले कि ये पतले हो जाएं, लेकिन समझदार है इसलिए इशारा उधर था, निशाना इधर था। महात्मा को एक दिया माय डियर महाराज जी बोलते महात्मा को एकदम आइडियल होना चाहिए। देश का सन्यासी चले तो दुनिया देखे, जीवन हो तो ऐसा, उसका आचार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव, उसका देह, उसका अंतर्मन, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका आचरण, उसके जीवन की श्रेष्ठता ऐसी दिव्य होनी चाहिए, ऐसा सन्यासी। महाराज हमको ना ये लोग हमको ठीक रखते, हमारा जरा सा पेट हल्का सा भी मोटा हो जाए ना तो लोग बोलते बाबा जी आज तो थोड़ा पेट मोटा दिख रहा था, तो हमको ये दुनिया ठीक रखती, इसलिए हम योगाभ्यास कराते। बात मोटे पतले की नहीं है, योगी को रोगी नहीं होना चाहिए। अब कोई प्रारब्ध दोष से जेनेटिकली किसी को बीपी शुगर हो गया हो, किसी महात्मा को, तो उसे अपराध बोध भी नहीं होना चाहिए। तो जो प्रारब्ध है वो तो भगवान का विधान है, वो स्वीकार है। लेकिन जो योगी होता है वो किसी भी रोग पर विजय पा सकता है। हमने ये किए हैं प्रयोग, मैं प्रयोग प्रयोग में विश्वास करता हूं। देखो मैं अब कुछ, ये तो काम की बात तो इतनी है, ये करना है ये नहीं करना है, सुबह उठना है देर से नहीं उठना। मैं 40 सालों से ऐसे करता हूं, 40 सालों में महाराज मैंने एक दिन कोई हॉलीडे नहीं किया, छुट्टी की छुट्टी। क्या बोला? छुट्टी की छुट्टी। और फिर भी हम खूब मस्त मस्ती में रहते हैं। लोग छुट्टी करते हैं सैटरडे संडे की, मैंने पश्चिम के देशों में देखा, अब तो यहां भी शुरू हो गया, और फिर भी खुश नहीं रहते। हमने कई बार ट्राई करके देखा कि लोग कहते हैं आराम करने से बड़ा मजा आता है, तो हमने तो 2-4 मिनट ऐठे बैठ के देखा कि चलो आज आराम करके देखते, फिर हमको मजा आया ही नहीं, हम तो उठ गए। स्वेन कृतुना संवदेता, वेद का मंत्र, अकर्मा दस्यु कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विचिच्छतं समा। अपने कर्म से बोलो, स्वेन अपने कृतुना कर्म से वदेता, इतना अमृत याद रख लेना। क्या बोला मैंने? इतना मंत्र तो सबको आ गया, बोलो स्वेन कृतुना। पीछे वाले बोलो आपको तो आता है, स्वेन कृतुना 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 स्वेन कृतुना संवदेता। बस अपने कर्म से बोलो, तुम्हारे कर्म बोलने चाहिए कि ये सासू मां है, ये ससुर है, ये बाप है, ये मां है। मां के कर्म बोलने चाहिए, पिता के कर्म बोलने चाहिए,
पुत्र के संतानों के बेटे बेटी के कर्म बोलने चाहिए। सन्यासी का कर्म बोलना चाहिए, सन्यासी है ऐसा होना है। ये तो अमृत है। और भाई जिसके कर्म ही खोटे हैं वो विषय है। हाँ वही इतनी सी बात है महाराज। अब संप्रदायों की बात आती है महाराज। हमने बहुत इस पर खूब मंथन किया। सबका प्रमाण वेद, श्रुति को सब प्रमाण मानते हैं। वेद प्रमाण है, दर्शन उपनिषद प्रमाण है, भगवत गीता प्रमाण, प्रमाण वही है, कोई प्रमाण भेद नहीं है। लेकिन व्याख्या भेद है, बस व्याख्या भेद है। और ये तो कुशलता है बुद्धि की, अलग अलग तरह से व्याख्याएं करते हैं तो बौद्धिक कुशलता है। इसमें तो आनंद करना चाहिए। हाँ अधिकारी भी अब उसमें उसको जो भी शब्द बोले, अब हम इनको कहा समझ में अधिकार। तो महाराज उसी में से वे, उसी में द्वैत, उसी में अद्वैत, उसमें से विशिष्टाद्वैत, उसी में त्रैत। और महाराज मैंने तो ये द्वैत अद्वैत त्रैत के ऊपर भी खूब शास्त्रार्थ भी कराए अपने विद्यार्थियों से। मुझे तो ऐसा लगा पूरा खूब इस पर मंथन किया, ये प्राधान्यता से कथन है। सब तो प्राधान्य से कथन है, बाकी तो सब पता है। ये दिख रहा है, ये देह है, ये प्रकृति है, इसमें रहने वाला जो एक देशीय आत्मा हमको प्रतिभासित होता है, हम व्यवहार में दिखता है, व्यवहार है वो द्वैत है या त्रैत है, और जो अदृष्ट सत्य है वो अद्वैत है। अब इसमें कहा शास्त्रार्थ करना लंबा चौड़ा। मैं तो दिख रहा है वह तो त्रैत और द्वैत है, जो अदृष्ट है वो तो अद्वैत है ही है, उसे तो सब कुछ उत्पन्न ही हुआ है। अब हमको तो इसमें कोई भेद बुद्धि दिखी नहीं, इसलिए हमने तो एक ही कार्यक्रम अपना रखा है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ ही हमारे इस संस्कृति का सार है। हाँ पुरुषार्थ चतुष्ट है, बोलो कुछ नहीं करो जो भी है। हाँ तो महाराज आज का अमृत हो गया, तो कल से सुबह जल्दी उठ जाना, जो नहीं उठेंगे उनमें विष प्रविष्ट हो जाएगा, और फिर उस विष प्रविष्ट होने से बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, घुटनों में दर्द होगा, SLMS ऑटोमन डिजीज बढ़ जाएंगी, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ जाएगी, फिर उसमें प्रोलैक्टिन कार्टिसोल ACTH बढ़ जाएगा, बीटा एंडोर्फिन घट जाएगा। ये बीटा एंडोर्फिन क्या है? ये अमृत है। कार्टिसोल ACTH ये सब क्या है? ये सब विष है। तो फिजिकली आप उसको देख सकते हो, इकोनॉमिकली उसको देखते हो, व्यापार को सात्विकता पूर्वक करना, उसमें बेईमानी नहीं करना, झूठ छल कपट नहीं करना, ये अमृत है। और झूठ बेईमानी से भ्रष्टाचार करना, मिलावट करना, ये विष है। जैसे महाराज जी करते हैं कुदरती खेती करना गोबर से, ये अमृत है। और ये जो यूरिया DAP फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ये डालना, ये विष है, जहरीली खेती है। ये तो इतनी इतनी बातें हैं, ये तो सबको समझ में आ रही है। कम से कम साधनों का प्रयोग करना, ये अमृत है। क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? पूज्य गुरु महाराज की कृपा से, आप सब संतों के आशीर्वाद से, आप में से काफी तो मुझसे वरिष्ठ ही हैं। अब आप सब ने मुझे सेवा में लगा रखा है, इसलिए हो सकता है सबके आश्रम में मैं न जा पाया हूँ, सबकी पीठों में न जा पाया हूँ। अब फिर इसी काम में लग गया तो फिर ये काम छूट जाएगा। लेकिन आप सब महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं एक बात कहता हूँ, भगवान के अनुग्रह से हजारों करोड़ का साम्राज्य पतंजलि का है, लेकिन उसमें से एक कोड़ी भी मैं अपने लिए प्रयोग करना विषय समझता हूं। एक कोड़ी जमीन पर सोना। अभी भी महाराज जी ने मेरे बगल में वो इतना बड़ा सा बहुत जबरदस्त 5-स्टार पिलंग लगाया, वो बेड लगाया हुआ है, डबल बेड बहुत बड़ा है, और हम वैसे ही सिंगल। फिर हमने ऐसा महाराज
कभी कभी इमरजेंसी में दुनिया में जाना पड़ता है, तो कभी कभी फाइव स्टार होटल में भी महाराज हम नीचे है ना, उसका ऊपर वाला जो ओढ़ने वाला है उसको नीचे बिछा के अपना धर्म यही रखते हैं, जमीन से पर ही सोना है। अब कुछ बोलते हैं ये तो पाखंड सा लगता है, जब इतने बड़े बड़े सब ताम झाम में रहते हो तो जमीन पर क्यों सोते हो? मैंने कहा इसलिए सोते हैं, ये दो गज की जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता जीते जी और मरने के बाद भी। इसलिए हम जब एक विचार हो गया कि अपने को ऐसे ही रहना है ना, था उसमें क्या? अच्छा कपड़े हमारे ये सब दान के दिए हुए और कहां करे हैं, ये 10-10 साल तक फटते ही नहीं हमारे। कभी हमने महाराज चॉइस करके एक बार कोई कपड़ा नहीं लिया, एक बार भी सिंगल टाइम। जब मैं उसमें ब्रह्मचारी और आचार्य था तब हमारे आचार्य बारकृष्ण जी और मेरे 2-3 भ्रातागण थे, उनके जो पुराने हो जाते थे ना थोड़ी चमक कम हो जाती तो हम पहन लेते थे, घर से घर में बुढ़िया पहनती है तो और कपड़े पहनते ही नहीं थे हम लोग। जब तक अध्ययन करते थे एक इतना सा पहनते थे घुटनों के ऊपर, यहाँ बस थोड़ा सा ढक जाए, यहाँ इतना सा हिस्सा, इतने से ज्यादा कपड़े ही नहीं पहने, हमको ठंड लगती ही नहीं थी। हमने पूरे अध्ययन काल में 500 रुपए में पूरी पढ़ाई कर ली, उसमें खाना पीना आ गया, उसमें कपड़े भी आ गए, उसमें वस्त्र भी आ गए, उसमें कलम भी आ गई, सब कुछ आ गया 500 रुपए में पूरी पढ़ाई। क्या है इसमें, लोग इसी चक्कर में रहते हैं मेरे कपड़े में। आजकल वो एक बोलते हैं वो कलफ बोलते हैं, ये टाइट सा कपड़ा रहता ना वो ऐसे 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 रहे। बहुत से साधु इसी चक्कर में रहते हैं, ये इधर प्रेस होना नहीं होने, ए साधु का है? साधु जो मान के चल ले और मान के चले और मांग के खाए वो साधु। जो गुरु ने बड़ों ने भिक्षा में जो मिल गया वो खा लिया। अब कुछ अब सोपा की भी है हमारे, ठीक है वो भी एक आहार की सुचिता का एक नियम है। चलो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको अब एक छोटा सा भजन सुनाएंगे। हमको रोज ही सुनते रहते हो हम फिर रसिया हम तो भजनामृत सुना देते हैं। बाकी सुबह आइयो और जल्दी उठियो और बस सुबह एक बार योगामृत का पान कर लो, जिनमें तुम्हारा विचार भी अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा खाओगे पियोगे, अच्छी भावना रखोगे, अच्छे कर्म करोगे, यही अमृत है। बाकी किसी लंबा छोड़ा शास्त्र पढ़ने की हो सके तो किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो जितना बताए उतना कर लेना, इसी से उद्धार हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चलो एक भजन सुनाते, चलो गाओ भाई सब। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हो कौन कहे तेरी महिमा। सबका ये आनंद यही तो है अमृत है तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। एक शब्द ध्यान में आया बीच में बोल देते हैं फिर पूरा भजन गाएंगे। भगवान के स्वरूप को लेकर के बहुत भ्रांति है, तो मुझे महाराज दो शब्द बड़े अच्छे लगे अपने, श्रीचंद्र उदासीन बड़े अच्छे तपस्वी महात्मा हैं, आप जानते हैं डुमेट देहरादून वाले,
साठ सत्तर सालों से उन्होंने मौन साधना ध्यान उपासना की, वो दो शब्द कहते हैं। मैंने ये दो शब्द उनसे प्रसाद में सीखे। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक विश्वमय है और दूसरा विश्वातीत है। भाई ये सब कुछ जो कुछ है, दिस होल एग्जिस्टेंस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। सब कुछ दिख रहा है। देह वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च यद ब्रह्म विद वदन्ति। एक विश्वमय है, सब में पूरी गीता का सार क्या है, वासुदेवा सर्व। महाराज हमारे आप ही आचार्य हैं, भ्राता भी है और हमारे त्राता भी है। विश्वमय जो देखो सब में एक ही ब्रह्म बुद्धि रखो, माँ में पिता में गुरु में शिष्य में। हम तो सबको भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। वैसे हम परंपरा से गुरुकुल में पढ़े तो निर्गुण निराकार की उपासना करते करते अब सबके अंदर सगुण साकार हमको दिखने लग गया। क्या करें, ऐसे हो गया। सब में सगुण साकार व्यक्त भगवान दिखते हैं। और वेद में भी ऐसे कहा, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम तो द्रम दिवम यशक्रे मूर्धानम तस्मय ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सारा ब्रह्मांड भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सबको गाना होगा, जब तक नहीं गाओगे नहीं तो ये दो ही लाइन गाता रहूंगा सबका। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब वही तो है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी। साधु तो भजनान भी होते, महाराज गाओ ना हमारे साथ साथ। तो दो ऐसे कैसे साथ छोड़ दो। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो भगवान अंदर से प्रेरणा देता है करो, और जब भी कुछ गलत काम करते एकदम से रोकता है, बेटा रुक जा। माना आप कुछ भी नहीं पढ़े, निरे निपट्टा अनपढ़ मूर्ख कहते ना कि ये तो कुछ भी नहीं जानता, कोई शास्त्र नहीं जानता, उसके भी आत्मा में परमात्मा ने यह सहज ज्ञान दिया हुआ है और वेद का प्रमाण है। दृष्टवा रूपे व्याकृत सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृति दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। तो बस अपना आत्मवेद का ये ज्ञान पूरा हो गया तो ये वेद अमृत भी हो गया, आत्मामृत भी हो गया, बाकी सार अमृत महापुरुषों ने सुना दिया। और महाराज जी की आज्ञा थी तो हमने भजनामृत भी आपको सुना दिया। हाँ, हम खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम शीर्षासन करने वाले, खाली उठक पठक करने वाले योगी नहीं है। हाँ हम महाराज, हम भजनाम में भजनानंदी भी हैं। और सच्चिदानंद भगवान की जय।